आज जब हमारे हालात खराब है तो इस डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई ट्रेड करो हमारे साथ, जाके बिछ रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ट्रेड करनी है, अफगानिस्तान के साथ ओपन करें या इंडिया के साथ ओपन करें, इंडिया इतना बड़ा मतलब के एक्सपोर्टर है, अब एप्पल तक की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, हम यहाँ पे चाइना का मोबाइल भी नहीं बना सकते। अब क्या इंडिया इस बात को सुनेगा, एग्री करेगा, आगे बढ़ेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए, इंडिया को इतना मतलब के अपग्रेड नहीं है, उससे करने से अच्छा हम चाइना की तरफ फोकस करें। इंडिया का जो सिर्फ आईटी का बजट है ना, वो हमारे टोटल बजट से भी डबल है। अब आप इस चीज को देखें कि वो उनके जो कन्फ्लिक्ट है ना, दूसरे जितने भी नेशन हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो इस चीज को पर्सनल नहीं करते, वो एक प्रोफेशनल लेके हर चीज को चलते हैं। किसी की साजिश है या हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारे जो भी हमसाय मुल्क है, वो चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, हम किसी के साथ भी जो है ना, हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे तारीख में। अगर हम इंडिया से ट्रेड करते हैं, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें रेट का फर्क पड़ता है, हाँ। उसकी वजह से हमारे रेट कम होते हैं, फिर हमें फायदा है, फिर हम कहीं और जगह पंगा लेने वाले बने। ये बोली है कि हम अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेडिंग बंद करवा देंगे, अपनी ट्रेडिंग किसी से हो नहीं रही है, ट्रेडिंग भी बंद करवा देंगे, आपको लगता है वो रुकेंगे? जी जी, वो ख्वाजा साहब हैं, वो करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है, एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। हमेशा ही ऐसे ही डिस्टेबल रहा है ये मुल्क, ऐसे ही डिस्टेबल रहेगा, कोई इंसान के बच्चों का कब मुल्क है नहीं है ये बुनियादी तौर पर। लेकिन इंडिया की तरफ आप देखें, उनका एजुकेशन के रिलेटेड क्या है, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री कितनी बेहतर है, इंडिया की इंजीनियर्स देखें आप, और ये सिर्फ इस तरह की चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल प्लान चीज़ें हैं। इंडस्ट्री टेररिज्म को पाकिस्तान चला रहा है, तो इसलिए उनके साथ बात करना मुमकिन ही नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जब से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बयान दिया है कि पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड शुरू करनी पड़ेगी, तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनके सोशल मीडिया पर उनकी पब्लिक का रिएक्शन लिया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की पब्लिक क्या सोचती है कि भारत के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मज़ेदार रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं। ऐसे ही वीडियो आप हम इस देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई, जो ट्रेड करने से हमें लगता है कि वो सारा फ़ायदा इंडिया को होगा, तो भाई नहीं, उससे हमें भी फ़ायदा होगा, इंडिया को तो होगा ही होगा। क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से अभी यहाँ पर हमारे साढ़ आठ साहब ने बात की, और जब टमाटर की बात कर चलती है कि हमारे यहाँ पर 250 रुपये kg और वहाँ पर 30 रुपये kg, इतना डिफरेंस किस तरह से होता है? क्या हम भी तो एक ज़रूरी मुल्क है, हमारी पैदावार क्यों नहीं है? देखिए, हम अपनी अंदरूनी लड़ाई में इतने लड़े जा रहे हैं, कि हमें पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट आती है, वो चाहे इमरान हो, जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, हमने आते ही अपनी जो अपोजिशन है उसको पहले सबसे पहले जेल में डालना है। हमारे पास कोई भी जो इकोनॉमी की पॉलिसी कोई नहीं होती, तो हमें इस चीज़ की कोई भी फिक्र नहीं है कि हमारी ट्रेड कहाँ पर खड़ी हुई है। हमें इस चीज़ की भी कोई फिक्र नहीं होती कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए लाजमी है कि हम अब ये जो आपस की लड़ाई है, इसको ख़त्म करना चाहिए और हमें मीसा के जमहूरियत की तरफ बढ़ना चाहिए। किस तरह से देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है, वो किस तरह से 5वीं बड़ी मईशत बना? क्या उसके भी रिलेशन ऐसे ही हैं पड़ोसियों के साथ, हमसाइयों के साथ, जिस तरह हमारे हैं? सबसे पहली बात, वो तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं। इंडिया में इस तरह नहीं है, पाकिस्तान में, कि एक बंदा आता है, बोलता है नौजवान नस्ल का दरस होता है, फिर उसके बाद दीन का दरस चलता है 4 साल, फिर उसके बाद कोई और चाइना के साथ ताल्लुकात की, और फिर मेट्रो और अंडर पासिस की बातें चल रही होती हैं। मुल्क के अपने फिस्कल प्लान्स होते हैं, उनके मॉनिटरी जो प्लान्स होते हैं, और उनकी डेवलपमेंट को लेकर जो एक मुल्क अपना प्लान बनाता है, उस चीज़ को कभी भी एक्सक्यूट नहीं किया पाकिस्तान ने। लेकिन इंडिया की तरफ आप देखें, उनका एजुकेशन के रिलेटेड क्या है, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री कितनी बेहतर है, इंडिया की इंजीनियर्स देखें आप, और ये सिर्फ इस तरह की चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल प्लान चीज़ें हैं। आप एक इदारा डेवलप करेंगे, उसके आउटकम 4 साल बाद आएगी आपको। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह होता है कि हम एक अंडर पास बनाते हैं, जिसके रिजल्ट उसी वक्त देखते हैं आधे साल में, और आवाम खुश होती है कि फलां बंदे ने तो बड़ा काम बेहतर कर दिया। लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटी लगाएंगे, आप एक इदारा बनाएंगे, तो उसके रिजल्ट आपको कब नज़र आएंगे? जब अरसा गुजर जो, और उस वक्त तक तो कोई और गवर्नमेंट आ जाती है। तो एक तो स्टेबिलिटी नहीं है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये हम तरक्की नहीं कर रहे और इंडिया तरक्की कर रहा है। ये बात ठीक कर रहे हैं या आप ठीक कर रहे हैं? ठीक है, उसके बाद भी ठीक है, इंडिया इतना अच्छा नहीं है ट्रेडिंग के हिसाब से, जो अच्छा। बाकी कंट्रीज हैं जैसे जापान वगैरह, चीन है, इनसे होगी तो ज्यादा बेहतर। आपको पता है पूरी दुनिया इससे हम उनके साथ ट्रेड कर रही है, अगर आप थोड़ा सा सोशल मीडिया या इंटरनेट गूगल सर्च। जी जी, मैंने सुना है कि एप्पल की वहाँ पे एप्पल भी स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए ना कि हम खुद अपना करें। क्या कि आपको लगता है कि इस तरीके से रिलेशन अब चाइना और इंडिया की आपस में नहीं बनती है? नहीं बनती। हमारे पाकिस्तान में आधे ज्यादा चाइना इंपोर्ट हो रहा है, हम इंडिया से लेते हैं, हमें चाइना भी माल देना बंद करते, फिर
नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आपको पता है। अच्छा इन्होंने जो बात की है इंडिया और चाइना की आपस में नहीं बनती, अगर हम इंडिया से ट्रेड करने लगे तो चाइना हमसे नाराज, बिल्कुल चाइना तो खुद इंडिया से ट्रेड कर रहा है। आपको चाइना नहीं कर रहा, इंडिया चाइना से कर रहा है। चलो आप खरीदो फरोख्त करेंगे तो दोनों तरफ बिजनेस होगा ना, आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि सिर्फ लेट्स सपोज इंडिया कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम चाइना से कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपकी मैं बात समझ गया, इंडिया खुद डायरेक्टली चाइना के साथ कर रहा है, चाइना इंडिया के साथ कर रहा है, हमारे साथ चाइना नाराज हो जाएगा। नहीं नहीं करने की बात नहीं है, वहाँ से करें लेकिन हमें वहाँ से फायदा होना फिर करने का फायदा। अच्छा अब ये तो हो गई हमारी बात, मतलब ये है कि पाकिस्तान की पब्लिक की बात होगी। एक तरफ हम कहते हैं जी कश्मीर की वजह से हम कोई बात नहीं करना चाहते या कोई बात नहीं हो सकती या कोई कुछ भी नहीं हो सकता, कश्मीर इधर से उधर ना हो जाए तो तब तक कुछ नहीं हो सकता, हालांकि वो कहीं भी नहीं होना, न इधर होना है ना उधर होना, उधर ही रहेगा जिधर है। लेकिन सारी बात यह है कि कब तक हम इन चीजों से, मैं कहता हूं ना हमेशा बात करता हूं कि दुनिया तो तरक्की कर रही है, हाँ मुश्किल तकलीफें परेशानियां सबको होंगी, किसी को इन्फ्लेशन की वजह से, किसी को किस चीज की वजह से, कहीं पे जंग हो रही है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ रहे तो हम नहीं बढ़ रहे। अच्छा एक हमने इंडिया की बात की, ठीक है इंडिया के साथ हमारा ट्रेड एंड बिजनेस पहले चलता रहा है काफी हद तक, अब इसको मैं कहता हूं एक बड़ी क्लियर पिक्चर देनी चाहिए। अगर इंडिया इस पर राजी हो, अवल तो मुझे फिलहाल कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जी से किसी ने पूछा कि क्या हो सकता है, तो उन्होंने सिंगापुर में उन्होंने कहा नहीं यार ये वाली चीजें नहीं हो सकती कि एज ए इंडस्ट्री टेररिज्म को पाकिस्तान चला रहा है, तो इसलिए उनके साथ बात करना मुमकिन ही नहीं है। ये मतलब उनका फॉरेन मिनिस्टर है, बड़े इन्फ्लुएंशियल किस्म के आदमी है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के भी बड़े करीबी साथियों में से लोगों में से शुमार होते हैं, तो अगर वो बात करते हैं और लाजमी बात है उन्होंने कोई पर्सनल कैपेसिटी में बात तो की नहीं एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस क्वेश्चन को उन्होंने आंसर किया है, तो मेरे ख्याल में फिलहाल ऐसे कोई आसार इंडिया की तरफ से कम अज कम नहीं है। पाकिस्तान के तो अगर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा तो इसका मतलब है कि आगे पीछे ये बातें हो रही हैं, हो सकता है ये जनरल आसिम मुनीर और जो बाकी लोग हैं जो बेसिकली इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात को, तो वैसे तो बहुत सारी चीजें उनकी कंट्रोल में होती है, वैसे मैं तो कहता हूँ कुमते भी और बाकी चीजें भी, लेकिन इसके ऊपर स्पेशली उनका एक फोकस रहता है, तो लाजमी बात है कि सरदार साहब ने अपनी तरफ से तो ये बात की नहीं होगी, ना ये वो कर सकते हैं, वो कोई डॉक्टर जयशंकर तो है नहीं कि वो कहेंगे कि नहीं यार मुझे आर्मी चीफ से पूछा या नहीं पूछा, लेकिन फिर भी अगर पूछ के भी किया है तो मैं कहता हूँ एक अच्छी बात है। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों की ओपिनियन सुनी है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, वो कह रहे हैं कि हम ट्रेडिंग के बगैर भी अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री से ट्रेड नहीं भी करेंगे तो हम चल जाएंगे। कैसे पॉसिबिलिटी आप मुझे बताएं, आप कैसे ट्रेड नहीं करेंगे तो चलेंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं डेवलप किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम नहीं गए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम ट्रेड करेंगे। एज फार एज आईटी, अगर हम हमारी फील्ड है आईटी, ठीक है अगर आप आईटी की बात करूँ तो इन फास्ट 7 मंथ हमने $1.7 बिलियन का टर्नओवर किया है, और हमारी अगर आप जीडीपी की बात करें तो हार्डली जो हमारे पास स्टेट बैंक के अंदर रिजर्व है वो $8 बिलियन है। तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके जीडीपी का नेबरिंग कंट्रीज, आप इंडिया की बात करें 500 बिलियन प्लस के उनके डॉलर्स में रिजर्व हैं। एज फार एज अगर हमें देखते हैं तो हमारे रिजर्व तो अफगानिस्तान से भी कम है, और जैसे आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी हम ट्रेड खत्म कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कैसे चलेगा। जमन बॉर्डर के ऊपर जितना ट्रेड होता है हमारा, तो मतलब लोगों को उस चीज की वैल्यू ही नहीं है कि हम क्या चीज एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं, फिर स्मगलिंग बीच में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और यहाँ पर आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आपने देखा है कि भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। तो देखिए पाकिस्तान की पब्लिक जो है ना, उनका जो ज़्यादातर रिएक्शन होता है वो जज्बाती रिएक्शन होता है, क्योंकि अक्सर आपने भी सुना होगा कि पाकिस्तान के लोगों में जज्बा बहुत है, तो फिर बातें भी जज्बाती ही होती हैं, वो जज्बा हर बात में ये दिखाते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रेड को लेकर बात करें ना, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ट्रेड को बंद किया था जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद से ही लगातार जो है ना हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिया, और समय समय पर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए, अगर भारत के साथ ट्रेड होगी तो सस्ती सब्जियां वगैरह, सस्ते सामान पाकिस्तानी आवाम को भी मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो वो थोड़ी बहुत कंट्रोल में आएगी, पाकिस्तानी पब्लिक को भी जो है ना सस्ती चीज़ें जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि ट्रेड जो है ना
वो पाकिस्तान ने बंद की थी, तो क्या पाकिस्तान सिर्फ शुरू करेगा और ट्रेड शुरू हो जाएगी? इसमें बहुत सारी बातें हैं, भारत सरकार भी अब अपनी शर्तें रखेगी, उसके बाद ही जो है ना ट्रेड दोबारा से ओपन हो सकती हैं। बाकी आपने वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।